नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यशमीन्स क्रिएटिव कॉर्नर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो में आपके लिए एक DIY क्राफ्ट लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में हम एक प्लांटर बनाएंगे जो कि वेस्ट डिब्बे से बनने वाला है। और ये प्लांटर आपके किसी गार्डन को और किसी भी टेबल कॉर्नर को बहुत ही सुंदर सा लुक देने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं, इनको मैं रेड कलर से पेंट कर लूँगी। आप एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकती हैं। एक साइड से पेंट किया है मैंने यहाँ पे इसको, आप कोई भी कलर अपनी चॉइस से ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे वॉल पेंट का एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ था, इसे मैंने पूरी अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। और ग्लूगन की हेल्प से मैं इसकी सारी साइड पर ये जो मैंने आइसक्रीम स्टिक्स पेंट की थी इनको मैं पेस्ट कर दूंगी। ये गैप्स को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा प्लांटर ब्राइट लगे और ये जो गैप्स हैं ये पूरे ना लगे। मैं सारे गैप्स को फिल कर दूंगी इस रेड कलर से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर मैंने यहाँ पर जूट ड्रॉप ले लिया है। जूट ड्रॉप को मैं बॉटम की साइड में रैप कर दूंगी ताकि ये जो नीचे वाला वाइट पोर्शन है ये ना दिखे। और जो मेरी ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं ये एक इक्वल वे से नहीं लगी हैं, अनइक्वल से हैं तो ये बुरी भी नहीं लगेंगी। मैंने फर्स्ट एंड को पेस्ट किया और फिर एंड जो पॉइंट था उसे पेस्ट कर दिया ग्लूगन की हेल्प से। और बॉटम की साइड में मैंने जूट ड्रॉप को रैप कर दिया है। इसी प्रोसेस से मैं टॉप वाली साइड पर भी इस जूट ड्रॉप को रैप कर दूंगी ताकि ये जो ऊपर वाला है अनइक्वल सरफेस ये भी मेरा ना बुरा लगे और ये जो प्लांटर है इसे और खूबसूरत सा लुक मिल जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे जूट ड्रॉप की हेल्प से छोटी सी बेल बना ली थी। आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर ब्लैक फ्लावर पड़ा हुआ था पुराना, आप कोई भी सजावट का सामान ले सकते हैं या फिर स्टोन्स की हेल्प ले सकते हैं। इसको मैंने बेल के ऊपर पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने रेड एक्रेलिक कलर लिया और जो ऊपर वाला मेरे पास ये वाइट पोर्शन बचा था इसके ऊपर मैंने रेड कलर लगा दिया है। इसके बाद मेरा प्लांटर बन के रेडी है और मेरा प्लांटर कुछ ऐसा लग रहा है। इसके बीच में मैंने प्लांटर लगा दिया और मेरा प्लांटर बिल्कुल रेडी है। और अगर आप ऐसी वीडियोस और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।